I am expecting happiness today as usual. And ये फिल्म जो आज रिलीज हो गई है जिसका नाम सोहड़ा है, सेंसिटिव इशू पे फिल्म बनी है और मैं समझता हूँ सेंसिटिविटी आज लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी को मानने लगे हैं और वो इस फिल्म को बहुत हेल्प करेगा ऐसा मुझे लगता है। गजेंद्र अहिरे जी ने ये फिल्म डायरेक्ट की है, लिखी भी है और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। केसी बकड़िया साहब ने इस फिल्म को प्रेजेंट किया है और ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी ऐसा मुझे लगता है। अभी तो देखिए फिल्म आज ही रिलीज हुई है तो इसका रिस्पॉन्स जब देखेंगे सब लोग तभी मालूम पड़ेगा। मैं सबसे पहले तो उनको नए साल की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि ये फिल्म अलग है और इस फिल्म को देखकर आपको एक सचिन पिलगांवकर जो होगा वो नए रूप में नज़र आएगा। कितना अच्छा है कितना नहीं है वो आप डिसाइड करेंगे, लेकिन आप ये फिल्म देखिए ज़रूर। मैं इस फिल्म के बारे में बात करूँगा। ओके, थैंक यू। जोरदार है, हाईली अप्रिशिएट हुई है पिक्चर और मेरी पहली मराठी फिल्म है। आई होप आई विल डू अगेन एंड अगेन, बस आप लोग अच्छा कर दीजिए जरा सा। जी सर, उसी के साथ किस तरीके की सर, बहुत मैं तो जुड़ा हुआ हूँ। आई एम जस्ट इनका मैं इंडस्ट्री तो मेरे माँ बाप है, बस इंडस्ट्री है तो मैं जिंदा हूँ। सचिन जी से भी हमारी बात हुई, हमने मेहरबानी उनकी सचिन जी की, बट सब ने बढ़िया काम किया सर। आई एम सो हैप्पी। ओके सर, इसी के साथ में सर हमारे बीच में सर एक महान कलाकार जिस तरीके आपको पता है कादर खान साहब, नहीं है उनके ऊपर सर क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत 20 पिक्चरें की उनके साथ में सर, 20 हाँ सर 20 पिक्चरें हम मिस कर रहे हैं हम लोग सर। और सर कितना बड़ा लॉस हुआ आपको? मैं ज़्यादा ही हुआ सर आपके साथ नहीं आवा सर, इन ठहरा एक एक्टर आया बड़ा भीड़ में। सर ये लुकियो